Hi everyone, this is Hania Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जाते रहना उनके पास, क्या है वो कितना भी तुम्हें धुतकारे। मैं एक बार फैसा बेगम से जरूर मिलूंगी। लेकिन अब जब मैं उन्हीं का बेटा कानून का सही इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको नजर नहीं आता? लेकिन अब जो मैं उसके साथ करने चाह रहा हूं ना, उसको जितनी तकलीफ होगी उससे मुझे अपनी बेइज्जती का हिसाब मिलेगा। क्या करने जा रहे हो? जब तक हम मीरू का आखिरी ऑपरेशन नहीं कर लेते, इसे चलना फिरना बिल्कुल मना है। वैसे हमें यकीन नहीं था कि तुम इस तरह हमारी हेल्प करोगे। आदिल सिर्फ पैसे का दोस्त है आंटी। हेलो। हेलो जी, आप रामीन बात कर रही हैं? जी। आदिल साहब की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या, कैसे? जी हाँ, उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली वो आदिल साहब आपकी मदर से जेल में मिलने के लिए गए थे, और जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे, वहाँ से वापसी में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। रामीन, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ रामीन, बोलो क्या हुआ है? ओ, आदिल अम्मी जान से जेल मिलने गया था, वापसी पे उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। जितने दुख उसने तुम्हें दिए थे रामी, जितनी तकलीफें उसने तुम्हें दी और तुमने चुपचाप सही, उसको इसकी सजा मिलनी थी। अल्लाह ने रस्सी खींच ली। सही कह रहे, जब जुल्म की हद हो जाए तो जालिम की मौत लाजमी हो जाती है। आदिल अपने अंजाम तक पहुंच गए। अब जो सुबह होगी उसमें कोई तकलीफ कोई दुख नहीं होगा रामी, सिर्फ खुशियां होंगी। क्या हुआ नानी, इतना चुप चुप क्यों हो? मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है जब से आदिल का सुना है। जो हुआ है अच्छा हुआ है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। जो भी है, अब मर गया है ना, मरे हुए आदमी के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किस मिट्टी की बनी हो नानी, कभी तो किसी का बुरा सोच लिया करो। नहीं बेटा, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। खैर, आपके लिए कुछ खाने को ला दूं? नहीं, तुम जाओ, मैं वजू करके नमाज पढ़ूंगी। ठीक है। हमें पता था तुम जरूर आओगे। कैसे ना आती, आपने जो किया है उसके बाद कैसे ना आती मैं? अब क्या करना है?
आप क्या चाहती हैं? हमारे हक का बयान दे दो और फिर तुम्हारी बच्ची। मेरी बच्ची क्या? मेरी बच्ची मेरे साथ है। क्या हुआ, हैरत हुई या तकलीफ? किस चीज का जोम है आपको? किस बात का घुमाने के सब कुछ आपके हाथ में? फायजा बेगम, दुनिया के सामने इतना बड़ा नाम और काम उतने ही छोटे, इतने छोटे। मगर भूल गई आपके आपसे बड़ा भी कोई बैठा है ऊपर। खिंच गई रस्सी, मर गया आदिल, मर गया। कार एक्सीडेंट में मर गया वो। एक सेकंड में आपका सारा खेल खत्म। चलती हूं, कल कोर्ट में मुलाकात होगी आपसे। पापा, कल पेशी है इसीलिए सोचा आपसे मिला हूं एक बार। एक सवाल पूछना था मुझे आपसे, बस ये मुझे बताइए, मैं आपकी बेटी थी या बांदी? बेचते हैं ना, सौदा कर दिया। आप मान क्यों नहीं जाते कि जलाया है आपने मीरू को? जलाने में तो बहुत अच्छे हैं ना, आग में फेंक दिया था ना आपने मुझे, क्यों? वो मेरी मां नहीं थी, लेकिन जो मेरी मां थी वो तो आपकी बीवी थी ना। कुछ नहीं हुआ आपको मरते हुए? बाबा, आपका सब कुछ उलटता जा रहा है। अब भी जाके लड़ेंगे क्या आप कोर्ट में? बोले ना बाबा, जवाब दें प्लीज। बस मुझे इतना बता दीजिए कि जब मां को मारा तो मुझे क्यों नहीं मार दिया साथ में? ये कुछ नहीं बोलेंगे रामी, इनकी खामोशी बता रही है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जाए वो सहारे
कहाँ ले चला, वक्त हमें समझाए। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं अपने वली को वर्दी में देखूंगी। अब ड्यूटी देते देते माँ बाप की ड्यूटी मत भूल जाना। कैसी बातें कर रही है मिजा? माँ बाप की ड्यूटी तो सारी जिंदगी की ड्यूटी, कभी नहीं भूलूंगा। वली साहब, मीरू तुम यहां, तुम क्यों आई हो यहां पे? आपके आंसू पोंछने आई थी। पापा भाई, आपने क्यों बताया मीरू को कि मैं यहां पर हूं? माफ करना वली साहब, मैं जानता था कि आप जब यहां आएंगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको, और उस वक्त आपको कोई सहारा चाहिए होगा, और फिर मेरी बेटी से अच्छा सहारा आपके लिए और कौन होगा? मीरू, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मीरू, क्यों आई हो तुम यहां पे? आप क्यों आए यहाँ पर? ये मेरा घर था, मेरे माँ बाप रहते थे यहाँ, यहाँ से मेरी जिंदगी जुड़ी थी, कुछ यादें थी जो ढूंढने आया था, कुछ लम्हे जीने आया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। देखो मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। मैं आपकी वजह से आई हूं। बाबू भाई ने बताया कि आप यहां पर हैं, तो मुझे लगा कि मुझे यहां पर होना चाहिए आपके पास, आपके साथ। तुम्हारा यूं बाहर निकलना ठीक नहीं है मीरू। किसी ने नहीं देखा मुझे, किसी को पता भी नहीं चला। वली, मैं यहां आपको इस तरह इन तकलीफ दे यादों के साथ नहीं छोड़ सकती थी। तुम्हारी जिंदगी की भी सबसे तकलीफ दे याद इसी घर से जुड़ी है ना।
अपने पांव पर नहीं आया, लेकिन फिर भी पांव कांप गए, दिल लरस गया और बेहशत सी हुई जब किचन के सामने से गुजरी। सुनना चाहता था मेरा, इसीलिए तो मैं वहां लाया हूं जहां ये सब हुआ था। बताओ मुझे क्या हुआ था। इसी जमीन की कसम मेरू जहां तुम्हारे साथ ये सब हुआ, तुम्हें ऐसा इंसाफ दूंगा कि पूरी दुनिया को सबक मिलेगा और फिर कोई किसी की औलाद को नहीं चलाएगा। ये वादा है एएसपी वली खान का से। तेरे लिए मैंने छोड़ा ये जहां, अब मैं कहां जाऊं तू ही बता। क्यों आई हो अम्मा? अपनी बेटी से मिलने। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ करके
झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर अब अपनी बेटी से मिलने आई हूं? जो तेरे बेटे को बताया वो सच था, और जो अब करने आई वो सही। माँ हूं तेरी, दिल कट रहा है मेरा तुझे इस हाल में देख के। अरे जा अम्मा, मेरी औलाद को मुझसे मुतनफिर करके झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर अब तू अपनी बेटी से मिलने आई है, मुझसे मिलने। पूरी दुनिया में मुझे जलील करके तुझे बड़ा मजा आ रहा है ना, है ना? पागल हो गई है तू, अभी भी तेरी आंखों से पट्टी नहीं तू। अरे गरीब थे, गुर्बत थी, कम अज कम इज्जत तो थी। इज्जत? उस गुर्बत में इज्जत मिलनी थी? इज्जत अब है। अगर पैसा हो ना इंसान के पास तो ही इज्जत होती है, अगर पैसा ना हो तो सब कुछ जूते की नोक पर होता है। और ये पैसा ही है जिसके जोर पे तेरी ये बेटी बाहर आएगी, चाहे जितनी भी झूठी सच्ची कहानियां तू मेरे बच्चों से कह दे। एक माँ किसी भी माँ के बच्चे को मुतनफिर नहीं कर सकती, मैं ये गुनाह कभी नहीं कर सकती। पर तेरी बुराई इतनी बढ़ गई थी फायजा, अगर मैं अभी तुझे ना रोकती ना तो शायद मैं तुझसे बड़ी गुनाहगार कहलाती। तो आप पाली जन्नत जा अम्मा जा, अकेला छोड़ दे मुझे, जा यहां से। चले नानी। वली, अपनी मां के साथ क्या कर रहे हैं आप? ये सिला आपने हमारी मोहब्बत का दिया है हमें। आपके सामने जो औरत खड़ी है वो आपकी माँ है, आपने क्या सिला दिया इन्हें? है कोई जवाब आपके पास? इसी तरह मेरे पास भी आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं सवालों का तूफान, बचपन से मैंने यही देखा। जब मैं छोटा था और आप मुझे मारती थी मैं रोता था, आप सवाल का जवाब नहीं देती थी। क्यों? आपने मुझे हॉस्टल भेज दिया, मैं चुप रहा। आपने मुझसे नजरें चुराई, मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी जान, लेकिन अब बस और नहीं। अब इन सवालों के जवाब पूरी दुनिया दे रही है। आपके जुल्म और सितम की कहानी पूरी दुनिया जान गई है, बेचारी मैं भी जान गया। इस तरह नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा अम्मी, सच नहीं बदलेगा। आपने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी, रामीन की जिंदगी? जवाब दीजिए अम्मी जान, इस तरह मुंह मोड़ लेने से बात खत्म नहीं होगी। जाओ वली, जाओ यहां से, और जिसकी जिस बात पे भी दिल चाहे यकीन कर लो। और ये सब जो कुछ भी है शक की बुनियाद पर है ना, है ना? जब कोई सबूत नहीं मिलेगा ना मेरे खिलाफ तो वापस आप अपनी मां की तरफ लौटेंगे और आपकी मां फिर अम्मी जान हो जाएगी। लेकिन वली मैं नहीं मानूंगी, उस वक्त मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, अब कोर्ट में मुलाकात होगी। चलिए नानी।
मैं भी यही समझा रहा था मीरू को कि जो भी वाकया हुआ है वो खुल के जज साहब के सामने बयान करना, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं होऊंगा, वकील साहब होंगे। हमारा केस बहुत मजबूत है वली साहब। जी जानता हूँ वकील साहब, अंदाज़ा है मुझे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि पापा इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आप ये तो जानते हैं ना कि उनकी लॉ फर्म के ऑलमोस्ट सभी वकील अलग हो गए उनसे। जी सुना था मैंने। और जो वकील उनका केस लड़ रहा है वो भी कोई इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। अपने दुश्मन को कभी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए वकील साहब। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर कल सुबह कोर्ट में मिलते हैं। और हाँ, तावर की सुबह सुनवाई है और आई होप कि वो गांव वाली फैमिली भी सुबह पहुंच रही है। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट कल उनकी आखिरी सुनवाई हो। मैं भी यही चाहता। ओके, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वकील साहब। ओके, सी यू टुमारो। तमाम गवाहों के बयानात और तकरीबन तमाम गांवों की शिकायात और बयान दर्ज होने के बाद तहावर को बख्तों के माँ बाप का कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाती है। इसके अलावा तमाम जमीन हारियों को वापस करने का फैसला भी दिया जाता है। यही नहीं, तहावर के गांव की हवेली को स्कूल बनाने का हुक्म अदालत जारी कर रही है, और इसके साथ साथ ये हुक्म भी दिया जाता है कि इसकी तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। आग दिखाएगा, हम भी आग निकालता है। एक हफ्ते के लिए दे दे बस। अच्छा।
की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं कटहरे में फायजा बेगम को बुलाना चाहूंगा ताकि मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जा सके। इजाजत है। माय लॉर्ड, इस वक्त दो केसेस और दो इल्जामात हैं, शाहनवाज अली खान और फायजा बेगम पर। पहला केस शाहनवाज अली खान की दूसरी बेगम के कत्ल का और दूसरा इनके घर में काम करने वाली लड़की मीरू को चलाकर मारने और गायब करने का। Proceed. जी तो फायजा बेगम, आपके शौहर की दूसरी बीवी, आपने उनका कत्ल इंजेक्शन के जरिए जहर देकर किया ताकि आप अपने शौहर की दूसरी बीवी की जायदाद की मालिक बन सके। I object, Your Honor. जो इल्जाम मेरी क्लाइंट पर लगाए जा रहे हैं वो सरसर बेबुनियाद और झूठ। मैं अपने क्लाइंट के हक में चंद एविडेंसेस पेश करना चाहूंगा। माय लॉर्ड, ये शाहनवाज साहब की बीवी का डेथ सर्टिफिकेट, इसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि उनकी डेथ प्रेगनेंसी की सर्जरी के दौरान हुई थी। Objection overruled. आप कार्रवाई जारी रखें। शुक्रिया। माय लॉर्ड, मैं कटहरे में इस वाकये की गवाह जो कि फायजा बेगम की माँ भी हैं उनको बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो आप बताना चाहेंगी कि 24 साल पहले हॉस्पिटल में क्या हुआ था? का बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए। जज साहब, अब मैं आपकी इजाजत से उस लड़की को बुलाना चाहूंगा जिसको फायजा बेगम और उनके शौहर शाहनवाज अली खान ने निहायत बेदर्दी से जलाकर मारने और कत्ल करने की साजिश की। मैं बात कर रहा हूं मीरू की, जिसको इन लोगों ने जलाया
और इस वाकये के चश्मदीद गवाह बाबू की। मैं इनको बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी।